हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिस चीज़ का आप सब वेट कर रहे थे वो आ चुका है, दैट इज़ नॉर्सेट 4 2023, जिसकी आपको डेट मिली है 3 जून 2023। तो आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से प्रिपेयर करके इसको क्लियर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। तो इसमें जो आपको नॉर्सेट का एग्जाम है वो लेवल 7 का पे बैंड मिलेगा, जिसमें ग्रेड पे होगा 4600 का, ठीक है। इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए, या तो आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होने चाहिए और आपके पास रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, INC या स्टेट से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, चाहे वो DNC से हो, चाहे UP से हो, किसी भी स्टेट से हो। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं कर रखी और अगर आपने GNM किया हुआ है तो उसका GNM का आपको डिप्लोमा का वो मिला होना चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड में, ठीक है, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। और क्योंकि ये बाद में वो रीचेक भी करते हैं उस इंस्टीट्यूट में वापस भेज के कि यहाँ से इस पर्सन ने एक्सपीरियंस एक्वायर किया है या नहीं। नेक्स्ट इज एज लिमिट, एज क्या होनी चाहिए। तो वो अभी जो सेंट्रल वाले हॉस्पिटल है उनकी वैकेंसी अभी इसमें इंक्लूड नहीं करी है, होप सो कि अगर वहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी तो विद इन 1 वीक वहां की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो उसमें जो एज होता है वो ज्यादा होती है, ठीक है, अप टू 35 ईयर्स तक आप उसमें जा सकते हो, बट फॉर एम्स द एज लिमिट इज 18 to 30 ईयर्स। और जो आपकी एज काउंट करेगी वो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तक काउंट करेंगे, जो कि आगे बताऊंगी कौन सी डेट है। और इसमें फीस कितनी रहेगी आपकी, जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपीज, SC ST एंड EWS कैंडिडेट के लिए 2400। और जो कि SC ST की जो फीस है वो वापस रिफंडेबल होती है आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। और जो आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, 3 जून 2023, दैट इज सैटरडे। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा सब चीजों के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक बार के लिए बाद में भी देखे जा सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं ओबीसी SC ST तो आप उसका डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द जनरल कंडीशन, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कब से कब तक आप भर सकते हैं, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल से लेके 5 मई तक आप भर सकते हैं, अप टू 5 PM। तो यहां तक आपके पास डेट है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, कुछ आपको अरेंज करना है तो वो भी आप अरेंज कर सकते हो। और आपको जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी उसको संभाल के रखना है, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप संभाल के रखनी है ताकि आप बाद में वो आपके काम आ सके। अगर नहीं भी है तो वो वापस डाउनलोड हो जाती है, अगर आपको अपना ID पासवर्ड याद है तो। करेक्शन एंड एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, वो है 6 मई टू 8 मई, ठीक है, इस के बीच में आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में तो आप वो कर सकते हो। ये डेट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन ही मिलेंगे आपको। और जो ऑनलाइन पोर्टल है फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज 5 बजे, ये आपका क्लोज हो जाएगा। इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना, पहले ही फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद आपको जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन दिए कि कितने उसमें JPG में अपलोड होगी इमेज, ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट इज द SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इनका एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, SC ST है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर्स का, PWD है तो 10 ईयर्स, ठीक है, और PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर्स, और PWD के साथ ही अगर SC ST है तो 15 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन है कोई भी तो 5 ईयर्स, ठीक है, ये सारा एज क्राइटेरिया आप देख लेना। नेक्स्ट इज द मेन इज द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो मेन होगा कि आप उस कास्ट के अकॉर्डिंग आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको फिर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन कराया जाएगा या जनरल कैटेगरी से आपको लेंगे, ठीक है। तो मेन होता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, जो SC और ST सर्टिफिकेट होते हैं वो कभी रिन्यू नहीं होते, ठीक है, जो आपका एक बार सर्टिफिकेट बन गया SC ST में वही चलता है, लेकिन जो NCL OBC सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू होता है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट होगा वो हर साल रिन्यू होता है, तो वो इस टाइम पीरियड के अंदर आपका बना होना चाहिए, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2024, ठीक है, पिछले साल
अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024 अगले साल, इस साल से लेके अगले साल के बीच में, तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आप बाद में कभी भी बना सकते हैं। अगर अभी आपके पास कोई पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड कर दीजिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप जाओगे तब आपके पास होना चाहिए इस डेट के अंदर का ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। आफ्टर दिस पीरियड 1/4 to 31 मार्च 2024 विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसके बाद कंसिडर नहीं करा जाएगा। उसके बाद ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑब्टेन रिक्वायर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। आपका कोई कैंडिडेचर कैंसिल ना हो तो पहले आपको अपने सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देखना है। उसके बाद जो मेन आता है आपका, ठीक है, कि एग्जाम आपको बता दिया कि जो आपका एग्जाम है वो कब है, 3rd June, ठीक है, 3rd June। अगर आपने तैयारी कर रखी है अभी से या पहले भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सेप्टेम्बर को सोच के, तो ऐसा नहीं है कि सबके पास ही इतना टाइम है, सबके पास ही इतना टाइम है इसको करने के लिए। तो अगर आप अपनी जी जान लगा के अच्छे से मेहनत करेंगे, आपको सही तरीका पता होगा कि लास्ट टाइम पे हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम निकाल लोगे। उसके बाद आपको मेन है कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे एग्जाम आते हैं। तो जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की क्या होगी, 3 आवर्स, जिसमें आपको 200 MCQ मिलेंगे, 180 MCQ आपके नर्सिंग के होंगे और 20 आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो कितने हैं, अगर जनरल EWS है तो आपको 50% मार्क्स आने ही चाहिए फॉर क्वालिफाई, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर SC and ST, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके 50% जब आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो रैंक तो फिर बहुत दूर की बात है। और इसके लिए अगर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी 2023, 2022, 2021, 2019 इन सब का पेपर सॉल्व करके नॉर्सेट का डाला हुआ है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियोस जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, वो एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अगर 2 पर्सन के सेम मार्क्स है, ठीक है। और ये कि आपको अभी फॉर्म फिल करना है और आज से ही तैयारी में लग जाना है, आज से अभी से ही तैयारी में लग जाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन है कि इसमें सारे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी इंक्लूड नहीं करी है, ये सिर्फ एम्स की है, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके 18 एम्स है वो सारे इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इसमें आपको कितनी सीट्स ओवरऑल मिल रही है, तो आपकी टोटल सीट्स होंगी 3055, ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्रोपोर्शन है सीट का, तो जो टोटल सीट है वो कितनी है, 3055। और आपको एक सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि सीट कितनी है या कम सीट है ज्यादा सीट है, आपको सिर्फ ये देखना कि आपको एक सीट चाहिए, तो उस सीट के लिए आपको फाइट करना है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, आज से ही लगोगे, पर जो भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बट सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए या कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।